की ओर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और आपके बंधुओं का जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। आज नवरात्रि भी है और आज जैसे आपने कहा था विज्ञान द्वारा बाग कभी जो 100 साल पूरे हुए वो जो नरसंहार हुआ था और ये बात याद दिलाता है जो रामचंद्र जी के ने भी कही थी कि जब समाज में कोई अति हो जाती है तो भगवान उठते हैं और जो बुराइयां हैं उनको अंत करने के लिए रेडी होते हैं। जलियांवाला बाग में कहते हैं 1000 से भी ऊपर लोग मारे गए थे पर आज हम उनको भी याद करते हैं, ऊधम सिंह जी को जिन्होंने कर्नल डायर और जनरल डायर दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जनरल डायर को भी खत्म किया। रामचंद्र जी हमारे भगवान हैं और हमारे लिए एक प्रतीक हैं मनुष्यों के लिए कि किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत से यहाँ विद्यार्थी और उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसमें अपना आपको सोचना चाहिए कि किस तरह लक्ष्य प्राप्त करें और मेहनत करें। रामचंद्र जी ने सब दुख उनके ऊपर बरसे, उनको जंगल जाना पड़ा, वन आश्रम लेना पड़ा, 14 साल वहाँ रहे परंतु उन्होंने अपने बुजुर्ग के पिता की आज्ञा मानी। और सबसे बड़ी सीख यही है हमारे विद्यार्थियों के लिए कि अपने बुजुर्गों का, अपने जो पिता माता पिता हैं, जो गुरु हैं, उनकी बात माननी चाहिए और तभी हम राम राज की ओर बढ़ सकते हैं। जो सीख थी है वो बहुत सुंदर थी और हम लोग सबको अपनाना चाहिए। महेश जी, मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि नोएडा लोक मंच आपके द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि नोएडा लोक मंच की जो सांस्कृतिक एक शाखा है पहला कदम, तो हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा की है, एक लक्ष्य रखा है कि हर माह हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें और लोक मंच माने जो लोक गीत हैं, जो लोक नृत्य हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। जो टैलेंट हमारा जो है उसको हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज दीपक जी को आपने सुना, पिछले माह हम लोगों ने एक ड्रामा फेस्टिवल भी किया था जिसमें 3 बड़े बड़े ड्रामा भी आए थे और फिर स्कूल कॉलेजों ने भी इसमें भाग दिया था। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि सांस्कृतिक जीवन एक नया मोड़ दें नोएडा में और हम चाहेंगे कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं वो भी आगे आएँ, बढ़ें और वो भी सोचें कि कैसे एक कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जिंदगी है, एक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण, उसको कैसे पैदा करें नोएडा में, क्योंकि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, अभी तक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं माना गया और नोएडा लोक मंच और पहला कदम जो हमारी संस्था है उसका प्रयास यही है कि हम इसको एक सांस्कृतिक केंद्र भी बना दें नोएडा को और हम आपका सहयोग चाहते हैं। पुनः आपके और आपके साथियों को बधाई है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम लोग सबकी ओर से। थैंक यू फॉर कमिंग।